सो दोस्तों, तो व्हाट्सएप में देखिए यहाँ पे ब्लॉक कुछ इस तरह आ रहा है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योर नंबर इज बैनड, तो ये नंबर जो है व्हाट्सएप ने बैन कर दिया। अब इस व्हाट्सएप नंबर को अनबैन कैसे कर पाएंगे? जब तक आपका ये व्हाट्सएप अनबैन नहीं होता फिर इस नंबर से आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते हैं। तो ये बैन हुआ तो हुआ, क्यों बैन हुआ? बैन इस कारण हुआ, आप कोई भी व्हाट्सएप यूज करते हैं अदर व्हाट्सएप, जैसे कि प्ले स्टोर में आपका व्हाट्सएप जो है ये वाला व्हाट्सएप है प्ले स्टोर में, तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्हाट्सएप है जैसे कि यो व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, जी व्हाट्सएप, हॉट व्हाट्सएप, बहुत सारे व्हाट्सएप है, अगर वो सब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वही व्हाट्सएप के कारण आपका जो है व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहा है। और दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ अगर सेक्सुअल कंटेंट अगर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं इधर उधर पिक्चर, तो फिर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपका भी व्हाट्सएप बैन हो सकता है। तो अगर व्हाट्सएप बैन हो जाएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है, या फिर बैन हो चुका है तो कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए आपको क्या करना है, पहले आ जाना है यहाँ से बैक। आ जाने के बाद आपको इस व्हाट्सएप का डेटा को क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे हम उंगली से दबा करके रखेंगे, उस ऐप इन्फो का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम जाकर डाटा क्लियर करेंगे। यहाँ से आपका ऑप्शन नहीं आता है तो आप सेटिंग से भी जा करके और डेटा क्लियर कर सकते हैं। डेटा क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये डेटा क्लियर हो चुका है। अब हम आएंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को इंटर करना है। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर इंटर कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट ऑप्शन लिखने को आता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक चीज़ लिख करके, वहाँ पे उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हम यहाँ पे नोट्स बुक में लिख करके रखे हैं तो फाइनली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करने आता डिस्क्रिप्शन से, तो उसके नीचे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देख सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन को कैसे कॉपी करते हैं। इतना दूर हम सेलेक्ट किया और यहाँ कॉपी पर क्लिक किए, ये कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको चेंजिंग क्या करना होगा, इसमें आपको सिर्फ अपना यहाँ पे कंट्री कोड आपको शुरू में रहने देना है और यहाँ पे इतना यहाँ से यहाँ तक इतना साइड कर देना है और यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। तो हम चलते हैं वहाँ पे डालते हैं और फिर दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइन पेस्ट कर ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पर मैं अपना नंबर इंटर कर देता हूँ। इस वाले में यहाँ पर अपना नंबर इंटर कर देता हूँ, अपना 10 अंक का जो नंबर है नंबर इंटर कर देना है अपने कंट्री कोड के साथ। इंडिया से है तो 91 लगा कर +91। उसके बाद नीचे में यहाँ पे योर नेम के जगह पे अपना नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे अपना नाम भी लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम ही फिल कर दिया है। कर देने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है, प्लस पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा था तो यहाँ पे एक ही बार सेलेक्ट होगा। अगर पहली बार सेलेक्ट कर दिए होंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता होगा, तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट अगर एक बार इसमें सेलेक्ट कर लेते तो दोबारा आपको इसी तरह का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट हो जाता है, पहली बार ही सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह अगर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया सेलेक्ट तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे बताऊँगा कहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट पता चलेगा कि सेट हुआ है कि नहीं। उसके बाद नीचे में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है, यहाँ पे दिस डूज आंसर माय क्वेश्चन, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मेल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेल का ऑप्शन जो है, मेल का ऑप्शन नहीं आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर हम मेल वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे मेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी वहाँ पर फिल किया था सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके आपके फ़ोन में जितना भी ईमेल आईडी है सारा ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करके और यहाँ से अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसी ईमेल आईडी से तो इतना हो जाने के बाद क्या करना है, आप ऊपर में आपको यहाँ पर आप एरो का ऑप्शन दिख रहे हैं सेंड वाला, सेंड पर क्लिक करेंगे। अब आपका वहाँ पर सेंड हो चुका है। सेंड हो जाने के बाद आपको चलना है जीमेल में। जीमेल में जाते हैं, देखते हैं जो मेरा मैसेज सेंड जीमेल में आ गया है। ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है इस वाले ऑप्शन में, सेंड वाले में देखना है। यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे दिख पा रहेंगे कि सेंड हो चुका है।
सेंड हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, सेलेक्ट किया था, मैंने पहले से एक बार सेलेक्ट किया था, तो वहाँ सेलेक्ट करने में फिर दोबारा से वैसे ही ऑप्शन आने लगा, तो आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने पे वहीं पे आपको सेलेक्ट जहाँ पे मेल किया था वहीं पे ये शो करता है, लेकिन वहाँ पे मैंने भूल गया था आपको दिखाना, तो मैं यहाँ पे आपको मेल कर दिया था, यहाँ पे मैंने शो करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, वेट करना है मेल आने का, जब तक उधर से मेल नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको मेल आएगा तो कैसा मेल आएगा, मेल आपको कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं सपोर्ट मी फॉर, यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले व्हाट्सएप का अनबैन करवाया था, तो यहाँ पे उसका ये मैसेज है। इस तरह आपको मेल आएगा, इस तरह आएगा तो यहाँ पे आपको अगर रिप्लाई देने के लिए बोला जाता है तो यहाँ आपको अपना रिप्लाई भी कर देता है। देखिए मैंने अपना यहाँ पे रिप्लाई भी किया है, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई क्या करना है, रिप्लाई करना है यही चीज़ कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है, लिखना है डियर सर माई नंबर इज बैनेट प्लीज अनबैन, और अपना नाम नीचे में लिख देना है, जो भी नाम आपका है नाम लिख करके, और सेंड कर देना है रिप्लाई में। और सेंड कर देने के बाद वेट देखना है आपको व्हाट्सअप को लॉगिन करके, अगर लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके बाद आपका कोई भी उपाय नहीं, आपको वेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास अभी देखिए इसी तरह ऑप्शन आ रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, आप कितना हो दिन लग सकता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कीजिए।